दोस्तों मैं हूं सचिन जोशी और आप देख रहे हो अपना मनपसंद YouTube चैनल श्री गणेश एकेडमी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपना क्लास 10 एंड 12 का जो रिजल्ट है वो कैसे चेक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप ही नहीं बल्कि 52 लाख लोग अपने रिजल्ट के इंतज़ार में बैठे हैं। और अगर आपको इस बीच में ये जानना है कि आपका रिजल्ट कब आएगा और कहाँ पर दिखाई देगा तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं आपका दोस्त सचिन जोशी आज इसी प्रॉब्लम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि यार जो रिजल्ट आने वाला है वो अभी नहीं आने वाला है, बल्कि मई के लास्ट वीक में या फिर जून के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपको रिजल्ट देखना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है वो चीज़ आप देखिए। नंबर 1, आपको अपने मोबाइल में कोई भी क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है या फिर कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए, वो गूगल भी हो सकता है, क्रोम भी हो सकता है, कोई भी आप यूज कीजिए। इसके बाद आपको सर्च में आना है और यहां पर दोस्तों आपको सर्च करना है कुछ ऐसे टैक्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो है दोस्तों यहां पर आपको यूपी बोर्ड रिजल्ट 2022। अब देखो यहां पर चूंकि मैं यूपी से हूं इसलिए मैं यहां पे यूपी रिजल्ट कैसे चेक करना ये बता रहा हूं। अगर आप यहां पे उत्तराखंड से हो या फिर आप बिहार से हो या आप राजस्थान से हो, अदरवाइज आप किसी भी स्टेट से हो, तो आप अपने स्टेट को सिलेक्ट करके अपना रिजल्ट बाखूबी देख सकते हो। सारे स्टेट का जो रिजल्ट देखने का स्टेप होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को अभी अभी लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और सबसे बड़ी दोस्तों बात ये है कि अगर आप क्लास 10 पास हो जाते हो या 12 पास हो जाते हो तो यार प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो। और हाँ, लड्डू तो मेरे को चाहिए आपसे, आप लड्डू नहीं खिला पाओगे मेरे को पता है, क्योंकि आप दूर दूर से हो। लेकिन अगर आप कमेंट में कुछ हमारे लिए लिख दोगे कि सर आपका वीडियो देखकर मैंने रिजल्ट देखा, तो हमको पता चलेगा कि नहीं हमारा वीडियो देखकर इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला और हमको भी बहुत खुशी होगी कि आप लोगों का अच्छा परसेंटेज बना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, आपको आना है सर्चिंग में और यहां पर लिखना है यूपी बोर्ड रिजल्ट 2021। देखिए 2022 चल रहा है बट मैं आपको 2021 लिखने के लिए क्यों बोल रहा हूं, ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों अभी रिजल्ट नहीं आया है 2022 का, और 2022 का रिजल्ट सेम टू सेम वैसे ही आप देख सकते हो जैसा 2021 का दिखेगा, ठीक है। तो आपको इसको लेकर सर्च कर देना है, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा मई के लास्ट वीक या फिर जून के फर्स्ट वीक तक, तब आपको सर्च करना होगा यूपी बोर्ड रिजल्ट 2022, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का वेबसाइट ओपन होगा जहाँ पर आप देख सकते हो कि www.https.upmsp.education.in ऐसा करके ये वेबसाइट है जो सबसे पहला वाला, इसमें आपको क्लिक कर देना होगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद जस्ट आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर ऊपर आपको हाई स्कूल इंटरमीडिएट का जो परीक्षा फल है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ऊपर देख लीजिए, यहाँ पर इंटरमीडिएट का दिखा रहा है, ठीक है रिजल्ट। अगर आपको हाई स्कूल का देखना है तो यहाँ पर हाई स्कूल में क्लिक कर दोगे तो ये हाई स्कूल में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। तो आप चाहे हाई स्कूल में पढ़ते हो या इंटरमीडिएट में, यानी आपका 12 हो, आप दोनों जगह से इस रिजल्ट को चेक कर सकते हो। फाइनली आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर जनपद है, वर्ष है, तो यहाँ पर सेलेक्ट के बटन में आपको क्लिक करना होगा। और यहां पर ना आपको आपके जितने भी जनपद हैं, कहें तो जितने भी स्टेट हैं, वो सारे यहां पे शो होने लगेंगे। तो आप जिस भी स्टेट से हो वो आपको यहां पे सेलेक्ट कर लेना है, यानी जिस भी जिले से हो कहें तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट जिसे बोलते हैं, सॉरी अभी तक मैं स्टेट बोल रहा था, ठीक है। तो जैसे दोस्तों मैं यहां पर प्रतापगढ़ से हूं, ठीक है, तो आपको जहां से भी हो वो आपको चूज कर लेना है। मान लीजिए मैं वैसे ही गोरा सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद आपको परीक्षा फल जो है ये आपको चूज करना है। अभी देखिए दोस्तों यहां पर 2021 केवल दिखा रहा है, क्योंकि 2022 का जो रिजल्ट है वो अभी बिल्कुल नहीं आया है, इसीलिए 2021 केवल दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही 2021 के जगह पे 2022 तब दिखाने लगेगा जैसे आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट जैसे आ जाएगा आपको क्या करना है, इसमें 2021 में क्लिक करके आपको यहां पे 2022 सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो उसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहां पर आपको रोल नंबर डालने का ऑप्शन रहेगा जो कि आपके 9 डिजिट का होता है, ठीक है। आपको करना क्या होगा, यहां पर फाइनली आपको फिलअप कर देना होगा अपना रोल नंबर, ठीक है। रोल नंबर डालने के बाद फाइनली आपको व्यू रिजल्ट का जो ऑप्शन है दोस्तों वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो व्यू रिजल्ट के ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है, तो इसके बाद जो पेज ओपन होगा उसमें आपका रिजल्ट यहां पर देखने को मिल जाएगा बिना किसी
सी शिकायत कि आपका वर्जनल जो आपका मतलब कहें तो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद है ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। और हाँ यार दोस्तों, आप लोग कमेंट में मेरे को ये बताना बिल्कुल मत भूलना कि आपका 10th में और 12th में कितना कितना परसेंट बना है, ठीक है। और हाँ, जिन लोगों का 10th है वो लोगों का लक्ष्य कितना है 12th में बनाने का परसेंट, और साथ ही साथ अगर आप परसेंटेज तो बना लेते हैं सब कोई, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है, जीवन में क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, ये भी फीलिंग्स अपना जरूर शेयर करना, क्योंकि हमारे कमेंट पढ़ के दर्शकों के अंदर बहुत ज़्यादा कहें तो प्रेरणा मिलती है, जिसकी वजह से वो भी आगे कुछ करने को सोचते हैं। बहुत सारे लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग इंजीनियर, तो आप क्या बनना चाहते हो ये सब जरूर फीलिंग शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे कमाल की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।